हेलो निर्मल। हाँ, कैसी हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, हुज़ैफ़ा ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? हुज़ैफ़ा क्यों तंग करेगा? हुज़ैफ़ा के साथ वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। देखो अनीशा, हुज़ैफ़ा के साथ टाइम स्पेंड करते करते कहीं तुम मुराद को इग्नोर मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि इन सब में तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो। निर्मल क्या बात कर रही हो? हुज़ैफ़ा की वजह से मेरी और मुराद की लाइफ क्यों डिस्टर्ब होगी? हुज़ैफ़ा बड़ा है, इतना समझदार है, कुछ चाहिए होता है खुद से बोल देता है। हाँ, लेकिन जो आने वाला बेबी है ना, वो इतना छोटा होगा कि उसे हमारे वक्त और हमारी तवज्जो की जरूरत होगी। एंड आई एम श्योर मुराद को इस बात से कभी भी मुझसे शिकायत नहीं होगी, वो कभी शिकायत नहीं करेंगे। मुराद शिकायत ना भी करे तब भी उसे इग्नोर मत करना, उसमें से कभी ध्यान मत हटाना अपना। अनीशा, मर्द ना बहुत हसास होता है, बच्चे की तरह। बीवी की तवज्जो और अहमियत ना मिले ना, ज्यादा फील होने लगता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से कहीं भी मसरूफ होके तुम मुराद को इग्नोर करो। ठीक है निर्मल, मुझे समझ आ गई, लेकिन इस वक्त मेरी फिक्र से ज्यादा ना तुम अपना ख्याल रखो। दवाइयाँ वक्त पर ले रही हो ना, और इधर उधर की फिक्रों से खुद को आजाद करो, रेस्ट करो बस। ओके, और कोई हुक्म है मेरे लिए? और कुछ नहीं, बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। ये बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारा है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखो। गुड। अच्छा, अब एक काम करो, 2-3 दिन में ना मेरा बच्चा भी मुझे वापस छोड़ जाना, अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं। क्या मतलब निर्मल? मतलब ये कि उज़ैफ़ा के बगैर मैं आराम तो कर लेती हूँ, पर मैं खुश नहीं रहती। मिस करती हूँ उसे। मेरी आंखों का नूर है, मेरे घर की रौनक है, मेरी। ठीक है निर्मल, मैं 1-2 दिन में उज़ैफ़ा को छोड़ जाऊंगी। अभी जब तक उज़ैफ़ा मेरे पास है, अपना खूब ख्याल रखो, आराम करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या? सुनो, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम हो। कोई बात नहीं। ये वैसे अनीशा है कहाँ?